हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इट मीन्स द्विमीय समीकरण के उपयोग पढ़ेंगे। टोटल यहां पर अपन लोग तीन यूजेस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट यूज होगा टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इट मीन्स अपन चेक करेंगे कि जो आप लोगों के पास जो भी डायमेंशनल द्विमीय समीकरण है वो सही है या नहीं है द्विमीय रूप से डायमेंशनली, ठीक। और ये बात अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सेकंड यूज में अपन लोगों ने याद करिए देखा था कि जो डायमेंशनली इक्वेशन होगी, ठीक है ना, जो विमीय समीकरण होगी उसके दोनों साइड पे डायमेंशन इट मींस विमा समान होगी, इक्वल होगी। सेकंड अपन लोग यहां पर डिस्कस करेंगे जो सेकेंड यूज होगा उसमें अपन फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों के बीच में क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। और थर्ड यूज में अपन लोग किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे बेटा। आई बस में तो अपन फर्स्ट यूज देखते हैं सबसे पहले, ठीक। फर्स्ट यूज है अपन लोगों के पास टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब विमीय समीकरण को अपन देखेंगे कि क्या वो सही है या फिर नहीं है, ठीक। और ये चीज अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा पहले एक एग्जांपल आप लोगों को लेके बताता हूं। जैसे आप सभी को पता होता है कि नॉर्मली जो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास होती है, ये फॉर्मूला आप लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास होती है उसका फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है MgH, होता है कि नहीं होता है? अब आप सबको पता होता है कि ईपी जो है ये आप लोगों के पास एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अब एनर्जी है, अब एनर्जी तो नॉर्मली एक तरीके से किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, वर्क। अब पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, होगा तो एनर्जी, फिर उसके बाद वर्क, और वर्क को आप लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का यूनिट आप सबको पता है, फोर्स का यूनिट कितना होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, मीटर। तो आपके पास क्या बनेगा, इसका यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। आई बस में तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, एम वन एल टू और सेकेंड इट मीन टाइम टी टू, ऊपर ले जाके टी माइनस टू। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा टी माइनस टू बनेगा। आ गई बस में। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं इसके लिए, तो एम का मतलब यहां पे क्या है, मास, द्रव्यमान। जी आप लोगों के पास यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और एच आप लोगों के पास यहां पे क्या है, हाइट इट मीन ऊंचाई। अब मास डायरेक्ट लिख देंगे केजी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मीन्स गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण का क्या होता है आप लोगों के पास, वो होता है आप लोगों के पास वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और यहां पर आप लोगों के पास कॉमन क्या चल रहा है, हाइट। आई बात समझ में आप सभी को? तो ऐसी कंडीशन पे कीजी इंटू, और वेलोसिटी को मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक। और ये जो टाइम है, इस टाइम को मैंने हाइट के नीचे लिख दिया, हाइट अपॉन में टाइम। अब देखो सब फंडामेंटल आ गई, मूलभूत भौतिक राशि आ गई, सबकी यूनिट लिखे हम अपन, तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड इंटू मीटर अपॉन में सेकंड। तब आपके पास इसका क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों के पास, विमीय सूत्र क्या बनेगा, एम वन एल टू, और टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस टू बनेगा आपके पास। तो अपन यहां पे क्या देख रहे हैं, अपन यहां पे देख रहे हैं कि जो डायमेंशन है, जो विमा है, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। इट मीन्स जो ये इक्वेशन है ये अपन लोगों के पास एक तरीके से डायमेंशनली करेक्ट है। तो अपन को इस तरीके का किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, तो अपन को वहां पर चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आई बात समझ में आप सभी को? देखो एक बार इसको जल्दी से, क्वेश्चन देखिए बेटा भाई, कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज
एच इक्वल टू आर एच डी जी अपॉन में 2 cos थीटा, देन चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब आप सबको पता होता है कि सरफेस टेंशन का मतलब होता है आप लोगों के पास पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो आपको यहां पर एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन क्या दिया आप लोगों को, इक्वेशन दिया आप लोगों को T इक्वल टू आर एच डी जी अपॉन में 2 cos थीटा, जहां पर R जो है वो एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को, इट मीन्स त्रिज्या को। जो H है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को, इट मीन्स ऊंचाई को। इसी तरीके से जो आपके पास D है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी, इट मीन्स घनत्व को। और जो G है एज इट इज वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स गुरुत्वीय त्वरण को। आई बात समझ में आप सभी को? तो अपन को चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो आप देखना, अगर मैं बात करता हूं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो आप सबको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का आप जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ। अब इस फोर्स अपॉन में लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, एक तरीके से इस फोर्स अपॉन में लेंथ को इस तरीके से लिख देते हैं, फोर्स इंटू 1 अपॉन में लेंथ, ताकि मेरे से मिस्टेक ना हो किसी भी तरीके की। तो ऐसी कंडीशन पे फोर्स का यूनिट कितना होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और लेंथ का कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 1 अपॉन में मीटर। तो आप देखिए यहां पे मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास अब जो यूनिट बना वो क्या बना, केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर देखता हूं, ठीक, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, एम वन केजी की जगह क्या कर दूंगा, केजी इट मीन्स मास, मास का लिया एम, केजी की पावर कितनी है 1, तो यहां पे लिख दिया एम वन। नीचे कितना आ जाएगा, सेकंड, इट मीन्स टाइम, टाइम का लिया टी, तो टी टू, तो ऊपर लेके जाएंगे अपन इसको, तो आप लोगों के पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू। आई बात समझ में आप सभी को? ये अपन ने एलएचएस सॉल्व करा, अब आरएचएस देखना आप लोग। आरएचएस में अगर मैं बात करता हूं तो आर आपके पास क्या है, रेडियस, एच क्या है आप लोगों के पास, हाइट, डी आप लोगों के पास क्या है, डेंसिटी, और साथ में जी आप लोगों के पास क्या है, एक्सेलरेशन, और 2 cos थीटा, ये 2 cos थीटा तो आप लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से इसके पास तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, इट मीन्स ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, डायमेंशन लेस, इट मीन्स कॉन्स्टेंट है ये, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो रेडियस, रेडियस का आप सबको पता होता है क्या होगा, मीटर, हाइट का क्या होगा, मीटर, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक ना, द्रव्यमान बटा आयतन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन अभी आप सब लिख के आए, एक्सेलरेशन होता है आप लोगों के पास वेलोसिटी अपॉन में टाइम। आगे बस सुनने, तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो अब आपके पास यहां पर क्या होगा, मीटर मीटर मिलके कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, मास का कितना हो जाएगा केजी, मास का कितना हो जाएगा केजी, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो अपन उसको मीटर क्यूब लिख देते हैं वॉल्यूम को, ठीक है ना। अब टाइम का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में सेकंड, टाइम का इसको साइड में लिख दिया, और वेलोसिटी को क्या लिख दूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आगे बस मैं आपको, तो ऐसी कंडीशन पे अब इसका कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी, मीटर क्यूब इंटू 1 अपॉन में सेकंड इंटू डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन में सेकंड। अब देखो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो गया, नीचे मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड मिलकर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो आप लोगों के पास यहां पे कितना बचेगा, यहां पे बचेगा आपके पास केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या बनेगा, वही बनेगा एम वन टी माइनस टू। अब देखो एल एच एस भी एम वन टी माइनस टू, आर एच एस भी, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट मीन्स आप लोगों के पास विमीय रूप से क्या एकदम सही इक्वेशन है। आई नहीं आई बस उनमें, देखो एक बार जल्दी से इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। तो आप लोगों को इक्वेशन दे दी, टी स्क्वायर है बेटा, ये टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² आर क्यूब अपॉन में कैपिटल जी। अब यहां पे जो टी है वो टी आप लोगों के पास टाइम पीरियड है, टी आप लोगों के पास क्या है टाइम पीरियड, इट मीन्स आवर्तकाल। ठीक, जो आर है वो आप लोगों के पास रेडियस, इट मीन्स त्रिज्या, और जी है वो है आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपके पास ये। आई बात समझ आप सभी को, इट मीन्स गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो अब अपन को चेक करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो अब आप देखना, आप सबको पता होता है अपन सब, अगर मैं बात करता हूं यहां पे सबसे पहले 4π² की, तो जो 4π² है ये आपके पास एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, ये तो नंबर है। ठीक, और ये आप लोगों के पास हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई डायमेंशन आप लोगों के पास नहीं होगा, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अब आपके पास बचा टी स्क्वायर। ठीक है ना, अब पहले अपन क्या करते हैं सबकी डायमेंशन अलग निकाल लेते हैं। जैसे टी, टी आपके पास क्या है, टी आप लोगों के पास है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब समय, समय इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास डायरेक्ट सेकेंड। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, जो विमीय सूत्र बनेगा, वो कितना बनेगा, टी वन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, इसी तरीके से आर, आर आप लोगों के पास क्या है रेडियस, रेडियस इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो सिंपल मीटर, और मीटर अगर मीटर है तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों के पास बनेगा वो कितना बनेगा, L1 विमीय सूत्र। इसी तरीके से जो जी है आप लोगों के पास, जी होता है आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इट मीन्स गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है आप लोगों के पास फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन में मास स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पहले अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन में मास स्क्वायर। अब देखो फोर्स का यूनिट आपको पता है केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक, और डिस्टेंस का कितना हो जाएगा यहां पर मीटर स्क्वायर, और नीचे मास कितना हो जाएगा आपके पास केजी स्क्वायर, तो 1 kg से 1 kg कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां पे कितना बचा मीटर क्यूब अपॉन में केजी इनटू सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में आप सभी को। ठीक, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, L3, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं पहले L3 अपॉन में M1 T2, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते, तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, M-1 L3 T-2, MLT की फॉर्म में होता है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, G का। अब सारी वैल्यूज यहां पे रखते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि अपन को डायमेंशन चेक करनी है। तो अब देखना टी स्क्वायर, तो यहां पर आप लोगों के पास टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है T1, और ये इसका क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहां पे आर क्यूब, आर का डायमेंशन कितना है L1, और यहां पे इसका पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में कितना है जी, और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है M-1 L3 T-2। तो आपके पास यहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला बचेगा बनेगा LHS पे, वो कितना बनेगा T2 इक्वल टू, तो यहां पे कितना बनेगा आपके पास L3 अपॉन में M-1 L3 T-2। अब देखो नीचे भी L3 है, ऊपर भी L3 है, तो ये ऊपर जाके L-3, तो L0 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास यहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा T2 इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा M1 ऊपर जाके 1, ये L-3 प्लस 3 तो L0, और ये हो जाएगा आपके पास T+2। अब आप खुद देखो यहां पे T2 है, यहां पे भी T2 है, लेकिन साथ में M1 आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल लिख सकता हूं क्या, नहीं। इट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ LHS, मतलब LHS पे जो विमा है वो इक्वल नहीं है किसके,
डायमेंशन ऑफ आरएचएस के। आई बस में इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट इक्वेशन। आई बात समझ में आप सभी को? तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन की जो एक्यूरेसी होती है ना उसको अपन चेक करते हैं। अब आप देखना इसी का एक फॉर्मूला और है, ये फर्स्ट हो गया ना, सेकंड देखना आप लोग एक बार। एक फॉर्मूला आपको इस तरीके से दे रखा है, टी स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में कैपिटल जी इंटू एम। ठीक है, अब अपन को देख बिल्कुल एज इट इज उसी फॉर्म में, बस एम और आ गया। अब अपन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो अब एम क्या है आप सबको पता है, एम क्या है यहां पर आपके पास मास, मास इट मीन इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, एम वन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वही फोर पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, ठीक ना, विमाहीन। तो अब आप देखो टी स्क्वायर, वापस टी की वैल्यू पुट करो तो यहां पर हो जाएगा टी वन स्क्वायर इक्वल टू यहां पे हो जाएगा L1 का क्यूब अपॉन में, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा M माइनस वन L3 T माइनस टू, और यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा M1। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पे तो हो गया आप लोगों के पास L2 इक्वल टू, ऊपर कितना हो जाएगा L3, नीचे देखना M माइनस वन M प्लस वन कितना हो गया M0, नीचे L3 t माइनस टू, एल थ्री से एल थ्री भी चला जाएगा और ये t माइनस टू पर जाके प्लस टू तो ये हो जाएगा t टू, और यहां पर भी आप लोगों के पास कितना है t टू। अब देखो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, LHS इक्वल टू क्या आ रहा है आप लोगों के पास RHS, इट मीन्स इट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। आई बात समझ आप सबको? तो ये डायमेंशनली क्या है आप लोगों के पास, करेक्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से अपन एक्यूरेसी क्या करते हैं बेटा, चेक करते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? देखो एक बार जल्दी से, नेक्स्ट यूज देखना बेटा, टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। तो इसको अपन वापस एकदम इजी एग्जांपल से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ठीक है, जैसे आप सबको पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। अब देखो वन बाई टू, वन बाई टू तो मेरे पास एक तरीके से क्या है, यहां पर कॉन्स्टेंट है, नंबर है कॉन्स्टेंट है, तो फैक्ट है तो डायमेंशन लेस है मेरे पास। ठीक है, अब देखना, अब मुझे यहां पे पता लग रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पर, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर। लेकिन मैं यहां पे एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रही है और मास की पावर कितनी है, वन। काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स गतिज ऊर्जा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और उसकी पावर कितनी है आप लोगों के पास, टू। तो इट मीन्स अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी एक्सप्रेशन लिखता हूं तो वहां पे पावर भी इंपॉर्टेंस रखती है अपन लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहां पे, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब अपन को यह पता लग गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, अपन लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किस पर, मास पर, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पर। ठीक, अब अपन लोगों ने मान लिया कि यहां पे मास की पावर कितनी है ए और वी की पावर कितनी है आप लोगों के पास बी, पावर भी आएगी साथ में। तो अपन लोगों ने मान लिया, जो फिर होगा वो अपन देख लेंगे। तो ई काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स गतिज ऊर्जा अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो ई के इक्वल ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए एंड ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर बी, समानुपाती। ठीक है ना, तो अब आपको ध्यान से देखना, समानुपाती है तो एक साथ लिख दिया अपन इनको, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती एम की पावर ए वी की पावर बी। और जब अपन यहां से अपन समानुपाती का चिन्ह प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे के। ठीक, और ये जो भी कॉन्स्टेंट आप लोगों के पास होगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट जो अपन लोग लिखेंगे, ये कांस्टेंट अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस इट मीन्स विमाहीन होगा। अगर बस में तो ये हो गया आपके पास m की पावर a v की पावर b। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, e के क्या है आप लोगों के पास, e के आप लोगों के पास है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, एनर्जी इट मीन्स वर्क,
अरे बस समझ में आपको, वर्क इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब फोर्स का कितना होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा, वो बनेगा एम वन एल टू टी माइनस टू। अब आप बेटा ये याद रखो आप लोग, ठीक है ना। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास एम वन एल टू टी माइनस टू इक्वल टू, ये तो डायमेंशन ले से तो लिखेंगे ही नहीं इसका अपन। अब देखना एम, एम क्या है आप लोगों के पास, एम है आप लोगों के पास मास, एम है आप लोगों के पास मास, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बनेगा एम वन। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा एम वन, और उसकी पावर कितनी है आप लोगों के पास ए। वी क्या है आप लोगों के पास, यहां पर वेलोसिटी, वेग, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट मीन्स मीटर अपॉन में सेकेंड, तो कितना बनेगा एल वन और टी ऊपर जाके टी माइनस वन। तो ये आपके पास हो जाएगा एल वन और ये हो जाएगा टी माइनस वन की पावर बी। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास एम वन एल टू टी माइनस टू, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास एम ए एल बी टी माइनस बी। आई बस में, अब आप क्या कंपेयर करो, ठीक है ना। तो अब m को m से कंपेयर करेंगे, l को l से कंपेयर करेंगे, और t को t से कंपेयर करेंगे। अब देखो m m सेम है, और यहां पे पावर a है, यहां पे 1 है, तो a इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो गया 1। यहां पे l की पावर b है, यहां पे l की पावर 2 है, तो यहां पर b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2, l से l हटा देंगे, और यहां पे t की पावर माइनस 2 है, और यहां पे t की पावर माइनस b है, तो ये कितना जाएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो देखो a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आई आप लोगों के पास कितनी 2। ये a और b की वैल्यू वापस यहां पर रख दीजिए आप, तो आप लोगों के पास e k इक्वल टू आ गया k m की पावर 1 और v की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 2। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास e k का फॉर्मूला क्या आया, k m v स्क्वायर। और जब अपन इसकी स्टडी करते हैं तो जो k की वैल्यू आती है वो आप लोगों के पास कितनी आएगी 1/2। तो ऐसी कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपके पास बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। अब आप देख लो चाहे यही तो फॉर्मूला था, और देख लो अपन ने ई के मास एंड वेलोसिटी के बीच में क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया, और एक नया फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या करा, ड्राइव करा। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में अपन लोग क्या करेंगे बेटा, एक रिलेशन देंगे। आई बात समझ में आप सभी को, देखो इसको एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखो बेटा। अब एक एस्केप वेलोसिटी वी ऑन द अर्थ सर्फेस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ देन एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा पलायन वेग, इसका मतलब होता है पलायन वेग, ठीक। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का मतलब आपको सबको पता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या, और डेंसिटी का मतलब होता है आप लोगों के पास घनत्व। तो वो क्या कह रहा है कि जो आप लोगों का एस्केप वेलोसिटी है इट मींस पलायन वेग है, ठीक है ना, वो डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है किस पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या पर, और साथ में डेंसिटी पर। इट मींस मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, सबसे पहले कर रहा है कैपिटल जी पर, फिर वो डिपेंड कर रहा है किस पर, डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, और फिर वो डिपेंड कर रहा है किस पर, वो डिपेंड कर रहा है आप लोगों के पास डेंसिटी पर, ठीक। अब अपन यहां पे सबकी पावर लगा देते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पे पावर ए है, यहां पे पावर बी है, और यहां पे पावर आपके पास कितनी है सी है। आ गई बस में, तो मैं इसको एक साथ लिख दूं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा जी ए आर बी, और यहां पर कितना हो जाएगा डी सी। आई बात समझ में आप सभी को, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लिखेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे के, हो जाएगा जी की पावर ए आर की पावर बी डी की पावर सी। और जो ये अपने पास यहां पे के होगा ये एक तरीके से क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इट मींस अगर मैं बात करूं तो ये डायमेंशन लेस होगा।
आई बात समझ में आप सभी को? अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब अपन को इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला वीमे सूत्र पता होने चाहिए। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना होता है आपके पास एल वन टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इट मीन्स एल अपॉन में टी और टी ऊपर जाके टी माइनस वन। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का अभी अपन लोगों ने लिखा है एम की पावर माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। इसी तरीके से रेडियस, रेडियस इट मीन्स त्रिज्या, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों के पास कितना एल वन। और डेंसिटी होता है आप लोगों के पास मास अपॉन में वॉल्यूम, मास का हो जाएगा के जी मतलब एम वन और वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर आके एल माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एम वन एल माइनस थ्री। अब बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आप लोगों को निकालने आने ही चाहिए। आई बस में अब अपन ये सारी वैल्यूज इधर रखते हैं, तो देखना V ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसको L1 T-1 है ना, ये L1 T-1 इक्वल टू K को तो लिखना ही नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस है। अब G, G का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है आपके पास M-1 L3 T-2 की पावर A, रेडियस का कितना है L1 की पावर B, डेंसिटी का कितना है M1 L-3 की पावर C। अब पावर को अंदर लेके आते हैं अपन, तो देखना अब ये कितना हो जाएगा। अब इधर मैं लिख देता हूं M0 L1 T-1, M लिख सकता हूं ना यहां पे M0, क्योंकि M0 कितना होगा वन, तो वन से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इक्वल टू अब देखना ये कितना हो जाएगा M की पावर माइनस ए एल की पावर थ्री ए टी की पावर माइनस टू ए, यहां पे कितना हो जाएगा एल की पावर बी और यहां पर हो जाएगा m की पावर c l की पावर माइनस थ्री सी। अब आप सबको पता होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पे देखना m ये रहा m लिख दो पहले, अब m की पावर माइनस a m की पावर प्लस c, देखो m प्लस है ना यहां पे, तो माइनस a प्लस c। अब l देखो l की पावर यहां पे कितनी है थ्री ए, एल की पावर यहां पे कितनी है b और l की पावर यहां पे कितनी है माइनस थ्री सी। इसी तरीके से t की पावर देखो t a की है, तो t की पावर यहां पे कितनी है माइनस टू ए। अब अपन क्या करेंगे मास को किससे कंपेयर करेंगे, मास से, लेंथ को किससे कंपेयर करेंगे लेंथ से, और टाइम को किससे कंपेयर करेंगे टाइम से। तो अब देखना m से m हट जाएगा तो आपके पास माइनस ए प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास c। अब l को l से कंपेयर करो, यहां पे एल से एल तो हट जाएगा, तो यहां पे कितना जाएगा आपके पास थ्री ए प्लस बी माइनस थ्री सी, ये वैसा का वैसा, और यहां पे कितना है वन इक्वल टू आ जाएगा वन। आगे बस में टी को टी से कंपेयर करो, तो यहां पे आप लोगों के पास कितना जाएगा माइनस का टू ए इक्वल टू माइनस का वन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास वन बाय टू। अब ए की वैल्यू वन बाय टू यहां पर रखो तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास वन बाय टू। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे रख दो आप, तो ये कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन बाई टू प्लस बी माइनस थ्री सी की पावर बी वन बाई टू प्लस वन। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू आपके पास कितना आ गया वन। अब देखो ए बी सी की वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दें अपन, तो आप लोगों के पास वी इक्वल टू कितना हो जाएगा के जी की पावर ए आर की पावर B, D की पावर C। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साथ साथ, तो देखना आप ये हो जाएगा K, R की पावर 1 और यहां पर हो जाएगा G, D की पावर 1 बाई टू। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा V का वो क्या बनेगा K, R और 1 बाई टू को क्या लिख सकते हैं रूट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो रूट में G इंटू डी। आई बस में तो इस तरीके से बेटा अपन लोग क्या करते हैं रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो आज अपन लोगों ने दो यूज पढ़े डायमेंशनल एनालिसिस के विमीय समीकरण के, जिसमें अपन लोगों ने एक्यूरेसी चेक करी और साथ ही साथ अपन लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना सीखा। आई बस उनमें देखो बेटा एक बार इसको अच्छे से